जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक। ब्रॉक लेसनर इज फाइनली बैक। भाई साहब बहुत जल्दी ब्रॉक लेसनर के दर्शन होने वाले हैं आप सबको, बिकॉज ब्रॉक लेसनर दोबारा से WWE कंपनी के अंदर वापसी आने वाला है और मुसलने वाला है एक बंदे को, अपना बदला लेगा ब्रॉक लेसनर। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो दोस्तों ब्रॉक लेसनर रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला भाई साहब, ये मैं कैसे कह रहा हूँ सब बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को देखना, छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की। अब देखिए ब्रॉक लेसनर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है समर स्लैम में, ये बात बता चुका हूँ आपको, कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों अब बता चुका हूँ कि ब्रॉक लेसनर ही वो बंदे हैं जो कि अब इस हालत में WWE कंपनी को सेव कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है लास्ट ईयर ब्रॉक लेसनर ने ही WWE कंपनी को सेव किया था आफ्टर रेसलमेनिया 39। आपको पता है जिस तरह से फ्यूड चल रही थी ब्रॉक कोडी की, लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि कोडी और बोरिंग कर रहा है, रोमन इस है नहीं, रॉक है नहीं, बड़े स्टार है नहीं, सैमलस नेक्स्ट ईयर आएगा, तो भाई साहब अब कौन बचाएगा WWE कंपनी को? सो बचाएगा कौन, सिर्फ एक ही रास्ता है ट्रिपल एच के पास, वो है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाना। ब्रॉक लेसनर के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है अभी कंपनी के अंदर जो टिकटें सेट करवा सके, जो कंपनी को बचा सके, बिकॉज ब्रॉक लेसनर अकेला ही काफ़ी है, अकेला ही काफ़ी है वो पूरी अरीना को फुल करने के लिए, पूरे स्टेडियम को फुल करने के लिए। और आपको पता है ब्रॉक लेसनर का मैच जब भी होता है भाई साहब, वो एक ऐसा मैच होता है कि आप पलके नहीं झपका पाते। सो फाइनली दोस्तों ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला, बहुत जल्दी होने वाला है। आई थिंक समर स्लैम से पहले भी आप देख सकते हैं सऊदी के शो में, या फिर क्लैश एट द कैसल, या फिर समर स्लैम में तो कंफर्म ही है। लेकिन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी है, रूमर बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत ही जल्दी है भाई साहब। समझ लीजिए भाई साहब कि अगला नंबर ब्रॉक लेसनर का है बस, बिकॉज ट्रिपल एच के बाद आपको पता है कोई रास्ता नहीं है अब। और इस समय WWE कंपनी जिस तरह से क्रिएट हो रही है आफ्टर रेसलमेनिया 40, हाइप खत्म हो चुकी है, डाउन पड़ चुकी है, रेटिंग भी डाउन पड़ रही है, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर इकलौते बंदे बचते हैं जो कि रेटिंग को बूस्ट कर सकते हैं। सो बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज वंस अगेन इज बैक गाइस। अगर आप सब ब्रॉक के फैन है, कौन फैन नहीं है उसका भाई, बहुत जल्दी आने वाला ब्रॉक लेसनर भाई। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट गाइस।